घर की बहू दाल बराबर। शादी के वक्त हर लड़की का सपना होता है कि वो अपने ससुराल वालों को खुश रखेगी, उनके लिए वो हर काम करेगी जिससे उसका नाम और काम दोनों चमके। अरे बहू, ये क्या है, कैसी खीर बनाई है तूने? लग ही नहीं रहा कि खाना भी बनाना आता है तुझे। अरे शर्मा जी की बहू, आय हाय हाय, जरा बताना। हाँ, क्या खीर बनाई थी उसने? पता ही नहीं लग रहा था कि खीर खा रहे हैं या रबड़ी मलाई। लेकिन पूजा, तेरे खीर में तो चावल भी अलग दिख रहे हैं और दूध अलग। अरे देखो देखो, चीनी भी दिख रही है। दोनों सास ससुर बैठकर पूजा की पहली रसोई की बुराई कर रहे थे और न जाने कौन से शर्मा जी की बहू की तारीफ। फिर एक रोज, ये लाल रंग ना बहू, ठीक नहीं लग रहा तुझ पर। कैसी बात कर रही है माँ जी, मेरी फोटो इस सूट में कितनी प्यारी आती है। अरे लेकिन वो सक्सेना जी की बहू जैसी नहीं, पता है उनकी बहू लाल रंग में ना बिल्कुल देवी लगती है, देवी। पर माँ जी, ये रंग में ही तो देखकर आप लोगों ने मुझे बहू के रूप में पसंद किया था। हाँ तो देखिए ना जी, लाल रंग। अरे वो कांता है ना, काम वाली, पता है वो भी ना। समझ रहे हैं ना, मतलब बहू के सामने ही बहू की ऐसी तैसी हो रही थी और वो बेचारी समझ ही नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। फिर एक रोज, अरे बहन जी, मेरी नई बहू की मुंह दिखाई है तो आप सब आना। वैसे पूजा बहू, बाहर क्यों नहीं निकलती है तू? मेरी बहू तो नई नहीं है लेकिन फिर भी सारा दिन बाहर ही पड़ी रहती है। वो क्या है ना आंटी जी, घर का काम खत्म ही नहीं होता। एक मेरी बहू है, सारा काम मेरे सर पर डालकर मंडराती रहती है। तभी सास ससुर आ जाते हैं। अरे रहने दो, सबको अपनी बहू दाल बराबर लगती है, वरना आपकी बहू तो हीरा है हीरा, एक हम है जो कोयले को तराश रखा है। क्यों और क्या, देखा मैंने आपकी बहू को, कैसे सारा दिन बाहर ही रहती है। कम से कम बाहर रहेगी तो दुनियादारी के बारे में तो पता होगा, वरना हमारी बहू को ना तो शर्मा बहू की पता है और ना ही सक्सेना की। क्यों, क्या है माँ जी, कोई तारीफ कर रहा है तो सुन लीजिए ना, आपने तो कसम खा रखी है कि अपनी बहू को कुछ समझना ही नहीं है। देखो देखो कैसे जबान चल रही है इसकी, वरना चटर जी की बहू, उसके मुंह से एक शब्द सुनाई नहीं देता। अरे जबान ही नहीं है उसके मुंह में, लेकिन हमारी बहू लगता है जैसे मुंह में ट्रेन की पटरी लगी हो। बहू वहां से चली जाती है लेकिन पीछे से सास ससुर की बात करने की आवाज आती रहती है। देखो देखो कैसे बोल रही थी। अरे डर ही नहीं है किसी का। बहू देखती है, सोचती है कि कुछ भी कर दो इन लोगों के लिए, लेकिन इन लोगों के लिए घर की बहू दाल बराबर होती है। बहू चली जाती है और फिर एक रोज, अरे शीना तू कब आई? ये क्या है माँ, शादी करके मुझे भूल ही गई हो? अरे माना भाभी आ गई है लेकिन बेटी तो बेटी है ना। अरे कैसी बात कर रही है, किससे तुलना कर रही है तू? अरे तेरी भाभी कहाँ और तू कहाँ? अरे तूने तो न जाने कितना झेला है, तेरे भाभी को तो सोने के चम्मच वाला ससुराल मिला है। हाँ भाभी को तो सच्ची आप लोग जैसे सास ससुर मिले हैं जैसे माँ बाप, वहीं मेरे सास ससुर तो पता नहीं क्या ही उम्मीद करती है मुझसे। बहू सोचती है कि कोई किसी से खुश नहीं है, ना बेटी ससुराल वालों से, ना ही सास ससुर बहू से। फिर, दीदी खाना लग गया है, आ जाइए। हमारे यहाँ तो भाभियाँ ननद के कमरे में खाना लगा देती हैं, आप है कि? पर दीदी आपका तो कमरा ऊपर है, रसोई नीचे। तभी सास आ जाती है। हाँ तो तेरे पैर में कौन सा मेहंदी लगी हुई है? अरे मैं श्राइन की बहू, वो तो चार चार तल्ला चढ़ चढ़ कर सास को खाना देती थी। तभी ससुर भी आ जाते हैं। हाँ भाई, वो क्यों पीछे रहे भला, वो भी तो अपनी बात कहेंगे ना। मिश्रा इनकी बहू तो छत पर खाना देती थी, हर एक रोटी वो भी गर्मा गर्म। क्या फुर्ती थी बहू में, क्या फुर्ती थी, एक हमारी बहू है। तभी बेटी की सास आ जाती है। अरे बहन जी, बेटी को सर पर चढ़ा रखा है, शादी के बाद आई है, पता करने की कोशिश भी की कि खुशी खुशी आई है या लड़ झगड़ कर आई है। आई आई है बहन जी। अरे आंटी जी, दीदी से कोई गलती हो गई है क्या?
क्यों इतनी भड़की सी लग रही हैं आप? तुम चुप रहो बहू, जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटों का बोलना ठीक नहीं होता, समझी? अरे तिवारी की बहू, वो तो बड़े कुर्सी में बैठे हो तो जमीन में बैठती है, मजाल है बड़ों के सामने चूं भी कर ले। आय हाय, अब ये तिवारी की बहू कौन है? खैर, अब इस बहू की तो आदत हो ही गई थी कि अपनी बुराई सुनती रहे। फिर कुछ दिनों बाद, अरे दीदी, वो आपकी सास आई थी, बोल रही थी कि आप उनकी बात नहीं मानती, घर में लड़ाई झगड़ा करती हैं, आपको उनसे माफी मांगकर ससुराल चले जाना चाहिए। देखिए भाभी, आप ना मेरी बात ना करें, और हाँ, जो आप सोच रही हैं ना कि मैं इस घर में हमेशा के लिए आ गई हूँ तो मुझे निकालने की कोशिश में है ना आप, पर एक बात बता देती हूँ, ये घर जितना आपका है उतना ही मेरा भी है। अरे आप गलत समझ रही है दीदी, घर आपका ही है और आपका ही रहेगा, लेकिन ससुराल के प्रति भी हर लड़की की जिम्मेदारी होती है ना। माना आपकी माँ ने आपको कुछ समझाया नहीं, लेकिन मैं भी माँ जैसी ही हूँ। दीदी आपके पति, अभी दोनों के बीच बात हो ही रही थी कि सास आ जाती है। अरे क्यों रही, क्या कान भर रही है मेरी बेटी के हैं? माँ जिंदा है इसकी, इसका भला बुरा समझ सकती है, समझी? पर माँ, मुझे लगता है एक बार भाभी की बात मानकर देख लेना चाहिए, मुझे भी ना इनकी याद आ रही है, न जाने वो मुझे लेने क्यों नहीं आ रहे। अरे तो क्या तेरे रोने से आ जाएगा, नहीं जाना है, माँ का सगा है। अरे एक पास वाली लीला बहन की बेटी है, मायके आती नहीं कि पति लेने आ जाता है, और जानती है क्यों? क्योंकि उसकी भाभी यानी कि लीला बहन की बहू उसके बोलने पर ही पूरा घर चलता है माँ जी। मैं जानती हूँ उन लोगों को, बहू बहुत अच्छी है उन लोगों की। माँ जी पता है कितने कर्जे में थे वे लोग, लेकिन बहू की समझदारी और सूझबूझ से सब ठीक हो गया, है कि नहीं? हाँ तो अब समझी ना कि बहू की कितनी जिम्मेदारियाँ होती है। अरे नाना बेटिया, तू तो अपनी माँ की बात सुन, ये कहाँ लीला बहू की तरह। बहू कुछ बनाए तो वो पसंद ना आए, बहू कुछ कहे तो वो पसंद ना आए। अब ननद घर पर, सार ससुर सर पर, और पति पति से तो हम आपको मिलवाना ही भूल गए। रानी वो क्या है ना, कल का खाना मजेदार नहीं था, मेरे दूसरे दोस्त जो खाना लाते हैं ना यार, मजा आ जाता है चक्कर। तुम उनकी बीवी जैसा खाना क्यों नहीं बना पाती हो? तुम तो जानती हो ना, कभी ये किचन मिचन के चक्कर में पड़ी ही नहीं थी मैं, जॉब और पढ़ाई। लेकिन तुमसे शादी की तो सोचा था कि घर गृहस्थी वाली बहू बनूंगी, ससुराल वालों के लिए सब कुछ सीखूंगी, लेकिन लेकिन कुछ सीख ना पाई, ससुराल की बहू ना बन पाई और ना ही किसी कंपनी के मैनेजर। तो सोच लो, वैसे माँ का कई बार दिन में फ़ोन आता है, बताती है वो कि कैसे तुमसे परेशान है। अरे क्या करना है देख लो तुम यार। देख लो क्या देख लो, अरे शादी की है, अगर मुझसे खुश नहीं है तो किसी नौकरानी से शादी कर लेते ना। उफ यार, वो मेरा दोस्त है ना राकेश, उसकी बीवी। अरे राकेश बोल देना कि दिन है तो दिन हो जाता है। माफ करना, मैं कोई रोबोट नहीं हूँ, और ना मुझे किसी की कार्बन कॉपी बनने का शौक है। और हाँ, मैंने भी फैसला कर लिया है, तुम लोगों के कितने भी काम कर लो लेकिन तुम लोग कभी खुश नहीं रह सकते, तो क्यों ना मैं अपनी नौकरी दोबारा शुरू कर दूँ। अरे आराम से सारा दिन ऑफिस में, और रात को नौकरानी के हाथ का खाना खाकर सो जाऊंगी, क्यों? अगले दिन से बहू नौकरी पर और पूरा घर पूरा घर नौकरानी के भरोसे। हाय रे, ये दाल है, अरे रोटी इतनी मोटी। माँ मैं तो अपने घर जाऊंगी, भाभी रहती थी तो गर्मा गर्म स्वादिष्ट खाना मिल जाता था। माँ न जाने क्या क्या होता है टिफिन में, अरे ऐसा खाना कौन खाता है। अब घर में बहू की कीमत तो सबको पता चल जाती है, लेकिन कीमत जो पता लगती है ना, उसमें काफी देर हो जाती है। अब बहू भी खुश और घर वाले भी। अरे वर्मा जी की नौकरानी पता है कितना अच्छा खाना बनाती है। तो आंटी जी उसी को रख लो ना, बहू थोड़ी ना हूँ जो बदल नहीं सकते। अच्छा चलती हूँ, जयराम जी की।